शेषा, शेषा, मुझे नागमणि लेकर जल्द से जल्द ऋतिक के पास जाना है, ऋतिक को बचाना है। तो गजगामिनी है, दामिनी है, तो जैसे बिजली के होते हुए भी तेरे घर से शेषा नागमणि लेके गई कैसे? यही तो पूछने मैं आपके पास आई हूँ, वरना क्यों आती? अब आप मुझे बताइए, मेरे सिवा वो नागमणि कोई कैसे छू सकता है? उस काली नागिन के पास इतनी शक्ति कैसे आए? जो नागमणि मैं नहीं छू पाई वो नागमणि वो कैसे ले गई? नागमणि गई तो गई, पर आप डर रही हो कहीं कहीं वो मुझे मुझे न मार दे। सनकी है वो काली नागिन, अगर उसे पता चल गया कि मैंने ऋतिक को खत्म कर दिया है तो एक ही फूंक में वो मुझे मार देगी। अरे नहीं, तुझे नहीं, ऋतिक को उड़ाने की, उसे पाने की चक्कर में होगी। तुझे नहीं लगता? गुरु माँ, मैं आपसे जवाब मांगने आई हूँ, उल्टा आप मुझसे सवाल पूछ रही है। बहुत गुरूर है ना, बहुत गुरूर है ना आपको अपनी शक्तियों पे? ठीक है, पता लगा कर बताइए कि वो शेषा कहाँ है। जो नागमणि मेरे हाथ में थी वो कैसे चली गई? मुझे वो नागमणि चाहिए गुरबा, चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए। आज मेरे प्यार का इम्तिहान है। अगर मैंने सच्चे मन से ऋतिक को चाहा है, अगर मैंने पूरी सच्चाई से आपको अपना इष्टदेव माना है, तो आज मुझे मेरे सभी कर्मों का फल चाहिए। मेरे पति की जिंदगी बचाइए शिव जी, ऋतिक की जान बचाइए। ऋतिक, ऋतिक आके खोलो, ऋतिक, ऋतिक। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। ऋतिक, मुझे माफ कर दो। ऋतिक, मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई कि मैं एक नागिन हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे,
तुमने कई बार कोशिश की मुझे बताने की मेरे मॉम डैड की सच्चाई, पर मैंने ही तुम पर विश्वास नहीं किया। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, कैसे? और तुम शिवन्या, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हो शिवन्या। मौत क्यों नहीं आई मुझे? उसे मारना चाह जिसने हर पल मुझे जिंदगी दी, सबसे ज्यादा प्यार दिया। जब उस मां ने मुझ पे वार किया तो मैंने तुम्हारा ही चेहरा देखा, सोचा कि अगर हमें जिंदगी ना मिला सके तो शायद बहुत मिलाते। आज के बाद ऐसी बातें फिर कभी मत करना। मेरी जिंदगी तुमसे है ऋतिक, और मेरी सिर्फ तुमसे। इन हाथों में आज भी तेरा बचपन है। तरस गई थी ये बाहें तुझे छूने को, तुझे पाने को, तुझे प्यार से सहलाने को। इतने साल तो मुझे पता भी नहीं कि तू है कि नहीं, उस यामिनी ने तुझे जिंदा रखा भी है कि नहीं। फिर भी इतने साल हर घड़ी हर पल तुझे याद किए, तेरा रास्ता देखा, तेरी आस लगा, तेरे लिए दुआ मांगी और दुआओं में तुझे मांगा। और इतने साल तक मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे पिता। फूटी जिंदगी, झूठे रिश्ते निभाता रहा। जिसे मां समझा, औरत किसी की मां कहलाने के लायक नहीं है, ना किसी की पत्नी और न ही किसी की बहन। उसने तेरी मां को मार दिया, शिवन्या के मां बाबा को मार दिया, सिर्फ नागमणि के लिए। आज अगर शिवन्या सही वक्त पर नागमणि ना लाती तो आज मैं तुझे भी खो देता बेटा। तूने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरा हर जन्म तुझ पे कुर्बान। आज तक मैं सोचता था कि एक इंसान और एक नागिन का साथ कभी नहीं हो सकता। मैं गलत था बेटा, मेरे ऋतिक के लिए तुमसे अच्छी साथी और कोई हो ही नहीं सकती। बाबा, इस मणि के रखवाले आप हैं, ये मणि आपकी धरोहर है, इसे संभालिए। नहीं बेटा, ये मणि शिव की धरोहर है, और आज से इस नागमणि की रखवाली तुम दोनों करोगे। इसे यामिनी से भी बचाओगे और महिष्मती से भी। महिष्मती? हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना चाहिए, गुरुदेव शेषा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। शेषा? शेषा कौन है? वो मेरी मासी की बेटी, वो दूसरी नागिन। पर उसे तो गुरु मां ने मार दिया था। वो सब एक दिखावा था, गुरु मां ढोंगी है। नागमणि पाने के लिए गुरु मां और यामिनी की चाल थी, लालच देकर उन्होंने शेषा को भी मुझसे दूर कर दिया। अपने जब धोखा देते हैं तो कैसा दर्द होता है ये मैं जानता। चलो शिवन्या।
शिव जी, गुरुदेव और संग्राम सिंह जी ने शिवन्या को बचा तो लिया होगा ना? अगर शेषा अपने असली रूप में आ गई तो कयामत आ जाएगी। मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। माफ करना शेषा, इस सब के लिए जो मैं करने जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे खिलाफ चली गई हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने इष्ट शिव के खिलाफ चली गई हो। ओ नमः शिवाय।